देखिए आज मैं आपको ऑर्गेनिक खांड बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक खांड कैसे बनती है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से गन्ने लगे और ये रस आया आपका, ये हमारी हौदी है, इसमें रस आया, यहाँ से यहाँ निकला और नीचे से यहाँ से पाइप गया हुआ है और ये देखिए आपका रस यहाँ पर आ गया, ये रस आया। इसके बाद ये पहला कढ़ाओ, इसमें कम टेम्परेचर है, उसके बाद दूसरा कढ़ाओ, इसमें सफाई होगी सुखलाई डलने के बाद, प्राकृतिक पौधा होता है सुखलाई। तीसरे में गया, यहाँ पे अच्छी से पकाई हुई, और फिर ये जो लगी हुई है यहाँ पे पर्दा, ये छन्नी है, इससे रस होता हो गया ताकि सारा कूड़ा करकट यहाँ पे रुक जाए। और लास्ट में पूरी पकाई हुई, उसके बाद वहाँ पे कुंडी है, देखिए यहाँ पे इस कुंडी में ये चाशनी निकल कर बाहर आई, यहाँ से हमने निकाल कर बाल्टी में ली और बाल्टी के बाद देखिए जैसे ही वहाँ से हम ले कर आए उसको चाशनी को और हमने इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद ये प्रोसेस चला धीरे धीरे, पंखे घूमते रहे, ये घूमेंगे 4 से 5 दिन इसकी ऐसे ही घुमाई होगी धीरे धीरे स्लोली, और ये चाशनी हमारी ठंडी होने के लिए हम इसको घुमाते हैं। ये तैयार जैसे ही होगी उसके बाद इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, जैसे ही क्रिस्टल बना और ये ठंडी हो गई हम यहाँ पर इसकी दूसरी मशीन में ले आएंगे। जो मशीन है ये काम करती है जैसे कि वॉशिंग मशीन आपकी पानी निकालने के लिए। ये यहाँ पे ये साइड की दीवार है, छन्नी लगी हुई है, इसमें आप जैसे ही यहाँ पे ये तेज़ी से घूमेगी तो सारी जितनी हमें चाशनी खांड लाए हैं वो सारी दीवार पे चिपक जाएगी। उसके बाद हम ये एक पिचकारी लेंगे, यहाँ से साफ़ पानी भरेंगे, साफ़ पानी भरने के बाद इसकी जो दीवार पे ऊपर से घूमती हुई मशीन में ही ऊपर से नीचे तक ऐसे पिचकारी मारेंगे 2-3 बार भर के, और ये खांड हमारी सारी साफ़ हो जाएगी। नीचे से जो हमारा मोलासिस है सीरा है वो निकल के नाली के थ्रू इधर चला जाएगा, ये टेंट बनाया हुआ है इसमें सारा सीरा इकट्ठा हो जाता है और ये हमारी यहाँ से खांड निकल जाएगी। देखिए इसी के साथ साथ हमारा जो ये यहाँ पे मशीन चल रही है, अगर किसी भी कारण से किसी वजह से अगर ये रुक जाए तो हमारी ये 125 क्विंटल गन्ने का जो है हमारी चाशनी इसमें डाली गई है ये सारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये घूमने की वजह से ही ये इतनी थोड़ी हल्की है, अगर ये घूमना बंद हो जाए तो इसमें हवा नहीं निकलेगी और फिर ये जम जाएगी और हमारा 125 किलो क्विंटल गन्ना जो है वो बेकार हो जाएगा एकदम। तो ये काफ़ी रिस्की प्रोसेस है, इसको बनाने में काफ़ी समय भी लगता है, 5 से 8 दिन लग जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें ये देख लो 125 क्विंटल गन्ने का रस भी, वो रिस्क भी है। तो इस तरीके से खांड हमारी तैयार हो जाएगी फाइनल, उसके बाद हमारे ऑर्डर आए के रखे होते हैं, पहले एडवांस में ही ऑर्डर मिल जाते हैं और इसको हम पैक करके 20 से 50 किलो के कट्टों में और फिर ऑर्डर पे बाहर भेज देते हैं।